अब वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.7. इट्स एन ऑप्शनल एक्सरसाइज इन एनसीईआरटी बुक, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू दिस. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years. मतलब एनी एंड बिजू ये दो फ्रेंड्स हैं, इनकी एज में जो डिफरेंस है दैट इज 3 years. एनीज फादर धरम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. ओके, इसको ध्यान में, ये चीजें ना नोट डाउन, मतलब अपने दिमाग में इनके पिक्चर जरूर बनाते रहो कि जो एनी का फादर था धरम, वो एनी से ट्वाइस बड़ा है. ओके, एंड बीजू जो है ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. ठीक है जी. अब एजेस ऑफ कैथी एंड धरम दे डिफर बाय 30 years. यू हैव टू फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू. अब देखो, हमें बताया गया दो फ्रेंड्स थे एनी एंड बीजू, उनकी एज में डिफरेंस था 3 years. फिर ये पता नहीं कहाँ से एनी के फादर आ गए, वो भी अंडरस्टूड था कि एनी के जो फादर थे वो उससे ट्वाइस ओल्ड थे. ठीक है, बीजू का उसकी सिस्टर से कनेक्शन भी क्लियर हुआ कि जो बीजू है वो अपनी सिस्टर से ट्वाइस है. अब कैथी और धर्म के बीच में जो डिफरेंस है 30 years का, अब ये हमें एक क्लू दिया गया है. अब नाउ विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज स्टफ वी हैव टू फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू. तो सबसे पहली चीज, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, तो हम वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अजम्पशन. So we will assume the age of Annie to be 6 years and that of Biju to be 5 years. Now, सबसे पहले we are assuming कि Annie जो है वो बड़ी है as compared to Biju. So x minus 3 is equal to, sorry, x minus y is equal to 3. तो हमारी first equation जो आ रही है वो आ रही है x minus y is equal to 3. बेटा अगर suppose हम यहाँ पे ये mention नहीं भी कर रहे हैं कि Annie is bigger in age, तो आपकी equations उसी हिसाब से आएंगी. एज कैन नॉट कैन नेवर बी कम इन नेगेटिव, वो नेगेटिव में नहीं आएगी वैल्यूज. सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अब एनी के जो फादर हैं उनकी एज क्या थी, ट्वाइस. ठीक है, ये हमें गिवन था, तो वो क्या बन गई, 2x. अब हमें ये बताया गया था जो बीजू सिस्टर जो होगी, मतलब बीजू था वो अपनी सिस्टर के ट्वाइस था, या हम कह सकते हैं वो जो सिस्टर है वो बीजू की हाफ है. सो दैट मीन्स वाई बाय 2 years. क्लियर बेटा? यस यस मैम. ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ अब कंडीशन क्या गिवन थी कि उन दोनों की एज में जो डिफरेंस है वो 30 years का है. व्हाट आई एम सेइंग, ऑब्वियसली फादर विल बी ग्रेटर इन एज, सो 2x माइनस y बाय 2 इज इक्वल टू 30. क्लियर बच्चा? ठीक है जी, ये आपकी पहली कंडीशन बन गया. वी विल टेक एलसीएम, तो ये क्या बन जाएगा, 4x माइनस y इज इक्वल टू 60. और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस y इज इक्वल टू. Now we will subtract this equation. हम I2, ये जो है आपकी I3, इसको I2 में से माइनस कर देंगे. I1 को I2 में से माइनस करेंगे, तो साइंस विल गेट चेंज्ड. तो साइन चेंज हो गए, ये जो एक्स है इट हैज बिकम नेगेटिव, ये नेगेटिव आपका प्लस बन गया, और ये प्लस आपका क्या बन गया, नेगेटिव. सो दिस वाई इज गेटिंग कैंसल्ड ऑफ, तो 4x माइनस एक्स कम्स आउट टू बी 3x, और 60 माइनस 3 कम्स आउट टू बी 57. सो एक्स इज कमिंग आउट टू बी 19 years. Is that clear? ये 19 years आपका left आ रही है age. Now we will calculate the value of y. Okay बेटा? So y is x minus y is equal to 3, or we can say x minus 3 is equal to y. So that means y comes out to be equal to 16 years. तो इसका मतलब क्या हुआ? Annie जो है वो 19 years की है और Biju जो है वो 16 years का है. Is that clear? Yes. हाँ जी. Clear हो गया question बेटा? Tanisha. हाँ जी. हाँ जी, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और ये बेटा आरडी में काफी क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है. वन सेज गिव मी अ 100 फ्रेंड, आई देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. ओके, अब आप ये देखते जाएंगे कि क्या क्या चीजें हमें गिवन है. सबसे पहले वन सेज गिव मी अ 100. ओके फ्रेंड, मतलब एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से कहा कि तुम मुझे 100 दो तो आई विल बिकम रिच एज ट्वाइस एज यू. आप जितने रिच हो मैं आपसे ट्वाइस हो जाऊंगा. तो उसका फ्रेंड क्या बोलता है, यू गिव मी 10, मतलब आप सिर्फ मुझे 10 दो. ओके, एंड आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू आर. तो अब आपने ये बताना है, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द एग्जैक्ट, मतलब कितना अमाउंट है ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, मतलब इनिशियली उनके पास कितनी कितनी मनी प्रेजेंट है. जो एक फ्रेंड एक को 100 देने की बात कर रहा है, एक फ्रेंड दूसरे को 10 देने की बात कर रहा है. तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं समझ में आता कि हम इस इक्वेशन को फ्रेम अप करें. फ्रेम अप हम करें तो कैसे करें, अब देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं. सबसे पहले जो चीज हमें नहीं पता, व्हाट वी विल डू, वी विल अज्यूम द थिंग. तो सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रेंड है वंस कैपिटल, उसको हमने मान लिया रुपीज एक्स मान लिया. ठीक हो गया, और
जो दूसरा फ्रेंड हुआ उसको हमने मान लिया रुपीज वाई. अब व्हाट ही इज सेइंग, वन ने कहा था तुम मुझे दे दो 100, इसका मतलब ये जो वाई है ये उसको 100 दे देगा. इसका क्या मतलब बना कि वाई में से जो भी वाई के पास अमाउंट थी उसमें से उसने एक 100 निकाल के दिया, दैट मीन्स उसकी अमाउंट में से 100 माइनस हो गया. सो दिस इज थिंग वाई माइनस 100. जब उसने अपने फ्रेंड को 100 दिया दैट मीन जो भी उसके पास अमाउंट प्रेजेंट था उसके वॉलेट में उसके अंदर 100 इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स दिस 100 वॉज एडेड अप. उसने ये कहा था कि जैसे ही तुम मुझे 100 दोगे ना मैं तुमसे ट्वाइस रिच हो जाऊंगा. सो इसका मतलब इसके पास जितना भी कैपिटल है वो इसकी कैपिटल का ट्वाइस होगा. सो दिस कैपिटल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई की कैपिटल. क्लियर हुआ बेटा? दोबारा समझाऊं? देखो हमने यहाँ पे दो फ्रेंड्स मान लेते हैं ए और बी. ए का कैपिटल है एक्स और बी का कैपिटल है वाई. कैपिटल का मतलब मनी है, हम वो स्टेट वाली कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, अब फर्स्ट कंडीशन में जो ए है उसने बी से ये कहा कि बी तुम मुझे 100 दे दो. ठीक है, अब बी ने 100 दे दिया मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया. ये बी है हमारा, इसने 100 दे दिया. सो दैट मीन्स 100 जो है इसके में से माइनस हो गया. अब 100 जिसको दिया ऑब्वियसली उसके वॉलेट में वो ऐड हो गया नेचुरली, तो 100 इसके में प्लस हो गया. अब ये कह रहा था कि मैं उतना रिच हो जाऊंगा जितने उस टाइम पे तुम हो ना उससे ट्वाइस हो जाऊंगा. सो दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एज वेल एज बाय 100. सो इक्वेशन विल बिकम, क्लियर हुआ बेटा? इक्वेशन विल बिकम एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200. सो वी कैन से एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हो गई. क्लियर हो गया? अब फ्रेंड बी था वो कौन सा कम था? वो कहता है भाई तुम मुझे सिर्फ 10 रुपीज दे दो, ज्यादा मत दो, सिर्फ 10 दे दो. अब 10 दे दो मतलब ए ने 10 दिया, इसका मतलब उसके जो भी उसके पास मनी थी उसमें से क्या माइनस हो गया? 10 माइनस हो गया. जिसको दिया उसके पास एड ऑन हो गया. सो इसका मतलब बी जो था वाई, जिसके पास वाई मनी थी उसके अंदर 10 प्लस हो गया. तो उसने क्या बात बोली थी कि जैसे ही मुझे 10 मिलेगा आई विल गेट 6 times रिच एज यू आर. ठीक है, तो 6 times मतलब ये जो 6 है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. सो व्हाट आई विल बी गेटिंग, तो ये मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60. इज दैट क्लियर? यस बेटा. चलो हाँ जी, तो आगे देखते हैं. तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनी, माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 70. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक दिस y एज सेम. ठीक है, मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो आई विल बी रिमूविंग दिस y. तो आई हैव मल्टीप्लाइड इक्वेशन i2 विद 2. तो आफ्टर दैट व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग माइनस 12x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 140. और मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300. सिंपली आप इसको ऐड कर दो क्योंकि ये साइन है प्लस और ये साइन है माइनस. ओके, सो प्लस माइनस ऑब्वियसली दे गेट कैंसल्ड आउट. So I'm left with minus 11x is equal to minus 440. That means x जो है वो क्या आ गया, rupees 40. Friend A के पास क्या था, 40 rupees थे उसके पास. अब हम देखते हैं B friend के पास कितने होंगे. ठीक है जी, अब हम इस value को utilize करेंगे और किसी भी equation में जब आप put करते हैं तो you will be getting the value of y. So y की value क्या आ जाती है, 6 into 40 minus 60 और bracket minus 10. So I'm getting rupees 170 as my answer. So y x के पास rupees 40 थे और y के पास rupees 170. Clear हो गया बेटा? I hope the question is clear. Now the next question. A train covered a certain distance at a uniform speed. ठीक है, अब एक train है, उसने ना एक distance travel किया और उसकी जो speed है वो uniform है, मतलब कम ज़्यादा नहीं हो रही है, वो equal distance travel कर रही है in equal interval of time. Now, if the train would have been 10 kilometers faster, अगर उसकी स्पीड हम 10 किलोमीटर पर आवर तेज कर देते तो उसको 2 hours कम लगते. It would have taken 2 hours less than the scheduled time. Okay? जिस टाइमिंग पे सपोज उसको 4 o'clock पहुंचना था तो वो 2 o'clock पहुंच जाती अगर हम उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते. पहली उन्होंने हमें ये कंडीशन दे दी. क्लियर है बेटा? पहली कंडीशन क्लियर हुई कि अगर हम उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते तो उसको टाइम कम लगता, नेचुरल सी बात है. बट अगर हम ट्रेन को स्लो कर देते बाय 10 किलोमीटर पर आवर
तो उसको 3 आवर ज्यादा लगते हैं अपने शेड्यूल टाइम से पहुंचने में. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस विच इज बीइंग कवर्ड बाय द ट्रेन. सो हमें दो तरह की कंडीशन दी गई है. अब हमसे पूछा क्या गया है, वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड. तो इसमें भी हम भाई फिजिक्स का अपना बेसिक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. पर सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है तो वी विल अज्यूम द थिंग्स. तो सबसे पहले हम अजम्पशन पार्ट कर लेते हैं अपना. और अजम्पशन पार्ट में क्या आता है, सबसे पहले मानेंगे कि हमारी जो स्पीड क्या है ट्रेन की, वो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. और टाइम कितना लग रहा है उसको, y आवर्स लग रहा है. क्योंकि हमें शेड्यूल टाइम का मिलना बहुत जरूरी है. शेड्यूल टाइम का मिलना इज वेरी नेसेसरी. नाउ एज वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अब इसके हिसाब से हमारी स्पीड क्या है ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर. टाइम टेकन क्या है, y आवर्स. तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना हुआ बेटा, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक्स वाई आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया. क्लियर होगी बात. अब फर्स्ट कंडीशन में उसने हमें ये कहा है कि भाई अगर आप स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ा दो, इसका मतलब बढ़ाने का मतलब क्या है, वी विल एड 10. तो इस स्पीड में हमने 10 किलोमीटर एड कर दिए, तो उसने कहा टाइम जो है वो कम लगेगा. तो वाई माइनस टू, ठीक है जी, वाई क्या आ गया माइनस टू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल. नेचुरल सी बात है. अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है ये क्या है, ये डिस्टेंस ट्रेवल और ये डिस्टेंस ट्रेवल तो सेम होंगे. तो इसका मतलब यहाँ पे वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस टी, तो क्या आ जाएगी एक्स वाई. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं व्हाट वी विल बी गेटिंग, वी आर गेटिंग देखो एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस 10y माइनस 20. हाउ इट केम, ये कैसे आई, क्योंकि ये जो x है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा अलोंग विद जो भी साइन कंसिडर आपने करना है. ये 10y के साथ होगा और ये 10 माइनस 2 के साथ होगा. क्लियर है. सो व्हाट आई एम गेटिंग एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई. अब ये एक्स वाई और एक्स वाई दे गॉट पाइप्ड ऑफ, ये स्टक ऑफ हो गए क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं और दोनों के साइंस जो है वो सेम है. Now what I am left with, I am left with जो मेरी equation अब frame up होगी x minus 5y plus 10 is equal to 0. I hope so. Now as we have struck off x and y, okay, x y जो है product form में available था उसको हमने struck off कर दिया. So I am left with x minus 5y plus 10 is equal to 0. ये मेरी equation बन गई. Second, okay. Now अब आपके case 2 में क्या था, हमने अब क्या किया था, speed को कम कर दिया था. कम मतलब we will subtract 10. So I have subtracted 10 from the speed. Okay, beta. X minus 10 into y plus 3, which is equal to d. Ab, as we know, distance kya hai? X, y. So, jab aapne isko solve kiya, what you got? You got x, y plus 3x minus 10y minus 30 is equal to x, y. So this x, y and this x, y will get wiped off. Ye kya ho jayenge? Cancel. Theek hai ji? Ye cancel. Ye cancel. Okay, so I'm left with 3x minus 10y minus 30 is equal to 0. Now I am multiplying my second equation with 3 because I'm using the elimination method. So I'll multiply my second equation by 3. So I'm getting 3x minus 15y plus 30 is equal to 0. And the third equation thi wo 3x minus 10y minus 30 is equal to 0. Now I'll subtract the third equation from the first equation, second equation. So signs will get automatically changed. So 3x will get wiped off. So it is minus 5y is equal to minus 60. So minus minus it gets cancelled and I get the value of y as 12 hours. Now calculate the value of x. X is 50 kilometers per hour. Okay, now we have to calculate the distance. Ab isme maine distance nahi nikala hai, so you have to calculate the distance because train ne multiply 3 and 12 and we'll be getting कितना आएगा आंसर, 600 किलोमीटर्स. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर, कितना है ये, 3. यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज डन. ओके बेटा. यस मैम. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज. इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, then there would be one row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 more rows. So find the number of students in the class. अब देखो, हमें जो condition दी गई है क्या है, एक
क्लास में स्टूडेंट्स हैं, हमने उसे रोज में खड़ा कर दिया, ठीक है। सपोज करो एक रो में ना 3 स्टूडेंट्स हम एक्स्ट्रा कर देते हैं तो हमारी एक रो कम हो जाती है, और अगर हम एक रो में 3 स्टूडेंट्स को बाहर निकाले तो हमारे पास 2 रोज और बन जाती है। मतलब उनको ऑब्वियसली आपको रोज में तो खड़ा करना होगा ना, तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। इसमें बेसिक क्या लगता है कि अगर सपोज करो आपके पास 12 रोज हैं और एक रो में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हुए, हम क्या करेंगे, 12 × 5 है ना, 60 स्टूडेंट्स हुए। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। सो व्हाट वी विल से, हमने ये अज्यूम करना है सबसे पहले कि भाई जो नंबर ऑफ रोज हैं वो क्या है, एक्स, हमें तो पता ही नहीं है। अब 1 रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, हमने इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास नहीं अज्यूम करना, ये बात का ध्यान रखना, हमने सिर्फ 1 रो में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमने सिर्फ वो अज्यूम करना है, दैट इज वाई। तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट बन गए, वो बन गए आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास x into y, वो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब केस 1 वो क्या कह रहा है, कंडीशन 1 क्या है उसकी, कंडीशन 1 कहती है कि अगर हम एक रो में 3 स्टूडेंट्स ऐड कर दें, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो में कितने थे, y plus 3 कर दें, और तो नंबर ऑफ रोज 1 कम हो गई थी, तो x minus 1 is equal to, तो स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे ना, टोटल स्टूडेंट्स तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। सो इसको जब हमने सॉल्व किया तो आई एम गेटिंग माय फर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। नाउ सेकंड कंडीशन, व्हाट दे हैव टोल्ड अस कि हमने क्या किया, नंबर ऑफ रो, एक रो में से स्टूडेंट्स को निकाल दिए, तो 3 स्टूडेंट्स हमने निकाल दिए तो हमारे पास 2 रोज एक्स्ट्रा बन गई, तो y माइनस 3 इंटू x प्लस 2। सेम इसको हमने सॉल्व किया इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स, तो वही रहेंगे एक्स वाई। तो जब आपने इसको सॉल्व किया व्हाट यू गॉट, यू गॉट माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो जब आप सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को आपने सिर्फ ऐड करना है तो आपका जो x वेरिएबल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इससे हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 और वी कैन से x इज इक्वल टू 4। तो इससे क्या पता लगा कि जो आपके नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं दैट इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सिंगल रो वो 9 आ रहा है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए क्लास में, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 9 × 4 व्हिच मींस 36। ओके बेटा, सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। चल बेटा, नाउ द फर्स्ट 3.7 क्वेश्चन नंबर 5, इन अ ट्रायंगल एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल, ओके बेटा, एंड एंगल सी इज आल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ ए प्लस, ठीक है बेटा। Obviously हमें इसमें से क्या करना है, we have to find all the three angles. Naturally हमें ना A पता है, ना B पता है, ना C पता है। तो very first step will be अब unknown things क्या है, angle A है, angle B. So what I have said कि angle A जो है that is equal to and angle B is equal to 5. Clear बेटा? अब एक छोटी सी बात है, हमें ट्रायंगल जो है हमें ये मालूम होता है कि एक ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या सम होता है, 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक हो गया। अब हमने उसमें से 2 एंगल तो मान लिए, एक्स और वाई, तो इसका मतलब एंगल सी जो है वो क्या बन जाएगा, 180 माइनस मेरे जो 2 एंगल जिन्हें मैंने अज्यूम किया एक्स और वाई उनका सम अकॉर्डिंग टू सम एंगल प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो एंगल सी था ना वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है, इसका क्या मतलब बना कि सी जो बन जाएगा इक्वल टू 3 वाई। अब सी हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया ये, तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूटिलाइज दिस वैल्यू ऑफ सी टू पुट इन ओवर हियर, तो क्या बन जाएगा, 180 माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाई। क्लियर बेटा? तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या इक्वेशन मिली, इक्वेशन आपको क्या फ्रेम अप हो जाएगी, इट विल बी 180 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 वाई, और वी कैन से माइनस एक्स माइनस 4 वाई इज इक्वल टू माइनस 180, और वी कैन से एक्स प्लस 2 वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 180, ठीक हो गया। अब देखो, अब मेरे पास सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, अब हाउ कैन आई कैलकुलेट, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको तो यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया। नाउ वट आई विल सी, I will see कि ये जो ये वाली चीज है, अब आपको ये दिख रहा है जो ग्रीन में मैंने स्क्वायर बनाया, 3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस b, एंगल a प्लस एंगल b, सो इसका मतलब 3y इज इक्वल टू 2x प्लस y। क्लियर होगा? यहां से मुझे
वाई की वैल्यू जो है वो मिल गई, वाई इज इक्वल टू एक्स। क्लियर हुआ बात बेटा? यस मैम, एक बार दोबारा समझाना। हाँ जी जरूर बेटा। मैंने आपको ये कहा कि पहले हमने ये निकाल ली इक्वेशन, ठीक है। अब हमने जो रिलेशनशिप उठाया वो उठाया थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। इनकी वैल्यूज जब मैंने पूछी तो क्या था, बी जो है वो वाई है और ए एक्स है, बी अगेन वाई है, तो थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वाइस सम ऑफ एक्स प्लस वाई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिल गया वाई इज इक्वल टू टू एक्स। अब इस वैल्यू को वी विल यूटिलाइज इन दिस इक्वेशन, सो इट विल बिकम एक्स प्लस फोर इंटू टू एक्स इज इक्वल टू 180। क्लियर बेटा? यस। अब हम इसमें वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x कम्स आउट टू बी 20। इसका मतलब एंगल a क्या आ गया आपका 20। अब एंगल b क्या है, y इज इक्वल टू टू एक्स, हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया था, सो उससे हमारी b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू क्या आई बेटा, b कम्स आउट टू बी 40। अब c हमें पता था क्या है, c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। अब सम ऑफ एंगल ए और एंगल बी क्या बन गया बेटा, इट इज 20 प्लस 40, तो वो कितना बना 60। तो इसका मतलब एंगल सी जो है वो आपका क्या बन गया 120 डिग्री। तो इससे हमने तीनों एंगल्स ट्रायंगल के निकाल लिए, उन्होंने हमें दो रिलेशन दिए थे, तो हमने यूजिंग टू वेरिएबल्स हमने ये वैल्यूज जो है कैलकुलेट कर ली। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle for which these lines meet. मतलब ये lines और y-axis के बीच में क्या vertices बन रहे हैं, coordinates बनेंगे। देखो बेटा, मैंने इसमें I haven't drawn the graph, ठीक है, वो आपने draw करना है। Condition जब देखो मैं समझा देती हूँ आपको कैसे है। First equation जो है आपकी वो है 5x minus y is equal to 5, ठीक है बेटा। और दूसरी इक्वेशन जो है आपकी वो है बेटा 5x नहीं 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया y क्या बन गया बेटा, y हैज बिकम 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। नाउ टेक आउट 3 वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ x टू बी 0। जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा, माइनस 5, ठीक है बेटा। यही अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूं, ठीक है, आई हैव यूज द वैल्यू ऑफ x एज 1, तो यहाँ पे y जो है वो क्या बन जाएगा, 0, ठीक। अगर मैंने x की वैल्यू आई हैव टेकन इट टू बी 2, तो यहाँ पे y जो है आपका क्या बन जाएगा, 5, ठीक बेटा। सिमिलरली इन दिस इक्वेशन अगेन आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ x टू बी 0, देन y कम्स आउट टू बी माइनस 3, देन आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ x टू बी 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो मेरे पास y की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। क्लियर बेटा? देन अगेन यस, देन आई हैव टेकन x की वैल्यू ऑफ एज -1, सो आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ y एज -6, ओके। तो जब आप इसका ग्राफ इन वैल्यूज के हिसाब से जब आप ड्रॉ करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, कोऑर्डिनेट ऑफ a जो है वो बन जाएगा 1 0, कोऑर्डिनेट ऑफ बी बनेगा 0, -3 एंड सी विल बिकम 0, -5, ओके बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आपको ना लीनियर इक्वेशंस दिए हैं बट इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी डी पी क्यू आर एस, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आपके वेरी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ठीक है। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज qx minus py is equal to p plus q. Now what I will do, जो first equation थी इसे मैंने p से multiply कर दिया, ठीक, और इसे मैंने q से कर दिया। अब ये step मैंने क्यों किया, अब देखो जब ये इससे multiply होगा ये बन जाएगा p q y, इससे multiply होगा ये भी p q y बन जाएगा, और इनका जो sign है वो opposite है, तो at least आपका ये वाला variable जो है, ये जो middle y है, ये eliminate हो जाएगा, ठीक है। जब हमने ये किया तो वी एलिमिनेटेड दिस टर्म, तो जब ये p अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, p स्क्वायर x, ठीक है। और ये क्या बन गया, जब आप इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी p स्क्वायर माइनस p इनटू q। क्लियर बेटा?
अब नेक्स्ट जब आपने मल्टीप्लाई किया क्यू स्क्वायर एक्स बन गया, इधर से पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर. अब आप देखो ये पी क्यू और ये कट जाएगा. इज दैट क्लियर? यस. अब आप इसको सिंपली क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो. ठीक है, तो हमारे को क्या यहाँ पे मिला, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स. ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ठीक. अब आप अगर इस चीज को ध्यान से देखो, ये भी x है, ये भी x है. तो I have taken the x to be common. So what I am left with, I am left with एक सेकेंड बेटा, I am left with p square plus q square और इधर भी क्या है, p square plus x square. तो naturally अगर ये दोनों चीजें same हैं, अगर ये दोनों चीजें आपकी same हैं, तो ये क्या हो जाएगी, it will get struck off. तो x क्या वैल्यू आ गई मेरी, 1. ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई. क्लियर. अब आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, p ऑफ 1 प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q. अब p और p दोनों साइड कॉमन है तो क्या हो जाएगा, इट विल गेट कट ऑफ. इधर से मेरा q और माइनस q, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, आई एम लेफ्ट विद y इज इक्वल टू माइनस q. तो इक्वेशन को देख के घबराना नहीं है, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. What you have to do, I am just using the elimination method. आपने सिर्फ क्या देखना है कि यहाँ पे जो मेरे signs opposite हैं, क्या मैं कोई ऐसा variable है, कोई ऐसा number है जिससे मैं multiply करूँ और मुझे result जो है वो same मिल जाए. ठीक है, तो वो मुझे मिल गया और उससे आप x and y की value निकाल सकते हैं. ठीक है जी. अब next जो इसका part आता है वो है बेटा a. हाँ जी मैम, एक बार दोबारा समझा दो. Second part है बेटा ax plus by is equal to c. bx plus ay is equal to 1 plus c. ठीक है, क्या इक्वेशन है बेटा जी, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ax plus by is equal to c और नेक्स्ट है bx plus ay plus 1 plus c. अब देखो पहले मैंने सोचा कि इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते, फिर मेरे को लगा कि नहीं इसको एलिमिनेशन से नहीं, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने की कोशिश की एंड आई गॉट द आंसर. क्योंकि आप इसको ए बी सी डी ई की टर्म्स में ही मतलब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सो ए बी सी ई टर्म्स में करने के लिए मुझे ये मेथड ठीक लगा, सो आई अटेम्प्टेड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो देखो x अपॉन माइनस बी इंटू वन प्लस सी प्लस ए सी इज इक्वल टू y अपॉन माइनस बी सी प्लस ए इंटू वन प्लस सी. आई होप आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला याद है. तनिषा डू यू रिमेम्बर? हाँ जी बेटा. Yes, ma'am. याद तो नहीं है, मान नहीं सकती मैं. You remember that? क्या था, BC, CA, AB. ठीक है, फिर हम क्या करते थे, B1, C2, फिर B2, C1, है ना, 12, 21. तो वो वाली एक बार वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको वो फॉर्मूला जो है वो स्ट्राइक कर जाए. ठीक है बेटा, तो हमने जब वैल्यूज पुट कर दी ना बेटे, तो हमारे पास ये चीज आ गई. अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब मैं आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से बता रही हूँ, तो आप इसको देखो, ये b जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो इट विल बिकम माइनस बी. माइनस बी विल व्हेन मल्टीप्लाइड विद प्लस सी इट विल बिकम माइनस बी सी प्लस ए सी. एंड y के केस में क्या बनेगा, माइनस बी सी प्लस ए प्लस ए सी. ठीक है, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही है. अब यहाँ पे अगर आप देखो, नाउ व्हाट आई हैव डन, हमने यहाँ पे अगर देखा तो यहाँ से हमने c जो है वो कॉमन निकाल दिया, तो इट बिकेम a माइनस बी. ठीक है, c इंटू ए माइनस बी माइनस बी. यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, एक इसको पिक कर लिया, एक इसको पिक कर लिया, तो ये देखो सेम ब्रैकेट बन गई. ठीक है, और इसको हमने आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो अगर अब आप ध्यान से देखो, आपके पास तीनों केसेस में, ठीक है, तीनों केसेस के पास जो डिनोमिनेटर में आई हैव समथिंग कॉमन, मेरे पास एक कॉमन चीज आ गई. ठीक है, अगर आप x को देख रहे हो, क्या चीज कॉमन है, ये चीज. ऐसे ही मैंने y में देखा तो क्या चीज कॉमन थी, ये कॉमन थी. इसी तरह से जब मैंने यहाँ पे देखा तो आई गॉट टू हैव दिस थिंग. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, वी विल डू x इज इक्वल टू ये रहा x. ठीक है, और हमने इसको पिक कर लेना. देखो अब एक सेकेंड, व्हाट वी आर गोइंग टू पिक, वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस एक्स इज इक्वल टू वन बाय दिस. तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये डिनोमिनेटर है इट विल गो टू दिस साइड, तो इट विल बिकम क्या बन जाएगा बेटा, वो
ये x इज इक्वल टू सी ए माइनस बी माइनस वन माइनस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. अब आप इसको क्या कर देंगे, बाइफरकेट कर दो. ये जो डिनोमिनेटर है वो इसके नीचे भी आ जाएगा और ये पूरा डिनोमिनेटर इसके नीचे भी आ जाएगा. इसमें ये वाली चीज जो है वो कट जाएगी. तो आई एम जस्ट लेफ्ट विद सी बाय ए प्लस बी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. क्लियर बेटा, ये स्टेप क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमारा एक्स आ गया. अब ये एक्स आ गया, अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने बी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब वाई के लिए हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों को इक्वेट करना है. ठीक, इक्वेट करने के बाद ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ जाएगा. क्लियर बेटा? यस. जब डिनोमिनेटर यहाँ गया फिर अगेन वही स्टेप, वो उसको हम बाइफरकेट कर देंगे. तनिषा, जो ये डिनोमिनेटर होता है वो ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जो है बेटा, एक सेकेंड मैं आपको समझाती हूँ कैसे आया ये. ये देखो, ये पूरी चीज इसके साथ भी है. ये देखो ना बेटा, ये वाली जो चीज है ये इसके साथ भी आएगी. ठीक बेटा, और इसके साथ भी आएगी. ठीक है, वही हमने नीचे लिखा है. ठीक हो गया, क्योंकि जब आप इसको नीचे लिखोगे इसके साथ तो ये कट जाएगा, लेकिन इसके साथ ये कटेगा नहीं, क्योंकि पूरा डिनोमिनेटर आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, c अपॉन ए प्लस बी. अब क्लियर हुआ? और इसको आपने एज इट इज ड्रॉप आउट कर देना, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू क्या आई, सी बाय ए प्लस बी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. और हमारी y की वैल्यू क्या आई, सी अपॉन ए प्लस बी प्लस ए अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. क्लियर बेटा? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में पैटर्न देख लेना बेटा. नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो. हमने क्या किया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया. ठीक है, एलसीएम लेके क्या बना ये हमारा, क्या इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई, डी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो. और दूसरी हमें गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अब ये देखो, ये आपका x का है, ये मतलब ये a, ये b और ये c है टोटल. ठीक बेटा, इस केस में ये a है, ये b है और c आपका जीरो गिवन. ठीक बेटा, मैंने अगेन यहाँ पे क्रॉस, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है यू कैन प्रेफर टू यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसमें एज सच कोई वैल्यूज तो निकलेंगे नहीं, यू हैव टू लीव एट द एंड. आपको एक किसी वेरिएबल फॉर्म में ही आंसर को लीव आउट करना है, तो प्रेफर है कि आप इसमें करोगे, कि एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में यू विल गेट कंफ्यूज. तो जब हमने x की वैल्यू पुट की तो व्हाट वी गॉट, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि c जो है वो जीरो है. जब भी वो किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे c1 जो है हमारा जीरो है. जब भी वो किसी भी ए वन बी वन ए टू बी टू जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा फॉर्मूला में, उस वहां पे उस टर्म को वो जीरो कर देगा. ठीक, और हमारा जो y आया दैट केम आउट टू बी जीरो प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारा जो वन बाय आ जाता है वो आएगा वन बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है बेटा, अब हमने इन तीनों को नॉर्मल हटा लिया, बी जो है वो कैंसिल आउट कर दिया. अब आप अगेन एक चीज ध्यान से देखो, ये देखो हमारे डिनोमिनेटर्स में एक चीज कॉमन आ रही है, सेम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था पार्ट में, उसी तरह से हमारे को यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में वी आर गेटिंग अ सेम फैक्टर, हमें सेम फैक्टर मिल रहा है. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू नाउ. ठीक है जी, अब हमने क्या किया, x को लिया. ये देखो, अब x के लिए हम सेम वही चीज करेंगे. कैसे करेंगे, ये वाला x इज इक्वल टू वन बाय दिस थिंग. ठीक है, नाउ वी विल टेक दिस डिनोमिनेटर ओवर टू दिस साइड. ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? देन तो व्हाट हमें क्या मिल जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इट विल गेट कैंसल्ड ऑफ, क्योंकि न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है. तो x की वैल्यू क्या आ गई, a, और y की वैल्यू क्या आ गई, b. दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ द फोर्थ पार्ट. नाउ बेटा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. सेकेंड इक्वेशन है आपकी a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अब इसमें अगेन आई हैव यूटिलाइज्ड द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. सो नाउ व्हाट आई एम गेटिंग x जो है वो आया माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए ए सॉरी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर. और y में भी ऐसी वैल्यू पुट आ गई, क्या आई,
वाई अपॉन माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बेटा आपको तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप इसमें क्लियरली नहीं लिखोगे कि ये आपका देखो जो है ये ए वन, ठीक है, ये बी वन, ये पूरा का पूरा सी वन, ठीक है बेटा, क्लियर है। ये आपका ए टू, ये आपका बी टू और ये पूरा का पूरा सी टू। तो x के नीचे क्या आता है, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, तो वही वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट किए, ठीक है बेटा, बी वन सी टू बी टू सी वन वही हमने पुट किया, ठीक है बेटा तनीषा, यस yes? हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ पे ध्यान नहीं है। y में क्या आ जाता है बेटा, ठीक है, हमारे y में क्या आता है, सी ए माइनस सी ए, मतलब सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, तो सी वन ए है ना, समझे मेरी बात, तो ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होती है और ये वाली चीज इससे होती है, ठीक बेटा, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाता है, जो हमारे कांस्टेंट टर्म होती है उस केस में हम क्या करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर बच्चे, फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हो, ओके, आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, ये देखो एक्स के नीचे जो है ए स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, ठीक है, तो यू विल बी लेफ्ट विद, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद इज, एक सेकेंड, एक्स जो है दैट विल बिकम इक्वल टू ए प्लस बी इंटू माइनस टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर, ठीक हो गया, क्लियर बेटा, यस। और वाई जो है अपॉन फोर ए बी स्क्वायर माइनस वन बाय माइनस टू बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक बेटा जी। अब आप इसमें से अगर आप इस जो एक्स का डिनोमिनेटर है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास 2b कॉमन है, इसके पास भी 2b कॉमन है अलोंग विद माइनस साइन, तो हमने क्या किया, माइनस टू बी जो है वो कॉमन निकाल लिया एंड आई गॉट a प्लस बी, ठीक है। इसी तरह से इसके पास भी माइनस टू बी कॉमन है इसके पास, तो यहाँ से भी हमने वैल्यू जो है वो कर ली, तो x जो है वो स्ट्रेट अवे आ जाएगा जब आप इसको और इसको इक्वेट करोगे और ये जो है वो चला जाएगा, तो ये वाली पूरी की ब्रैकेट जो है x क्या आ जाएगा a प्लस बी। अब y क्या आएगा बेटा, y जो है y के केस में क्या होगा, ये जो चीज है फोर और टू जो कैंसिल होती क्या जाएगा a b अपॉन a प्लस, ये आपका x और y की वैल्यूज आ गई, क्लियर है। एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना सो दैट ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो, ठीक है जी। अब है बेटा फिफ्थ पार्ट में बेटा एक छोटी सी ट्रिक है वो देख लेना। अब इस ये क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो काफी बड़े नंबर्स हैं। देखो अब कैसे है, ए वन क्या है हमारा 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 72, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ए वन जो है वो नेक्स्ट इक्वेशन का बी टू है और इसका ए वन नेक्स्ट इक्वेशन का बी वन है, समझ आई मेरी बात, ये क्रिस क्रॉस हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन लाने के लिए पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है बेटा। जब हमने ऐड किया तो हमें ना ऑलमोस्ट सेम सेम से नंबर मिलते हैं और हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिलती है। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला, माइनस 226x माइनस 256y इज इक्वल टू माइनस 678, क्लियर है बेटा, ओके। तो उसमें मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है, ये भी ना 226 है बेटा, मैंने यहाँ गलती से 5 लिख दिया, इट शुड बी 226, ओके, ओके। हाँ ये ना बाय मिस्टेक लिखा गया है, अभी मुझे लिखा भी, ये देखो ये ना 2 आएगा, ये जरूर लिखा गया, ठीक बेटा। चलो अब होता है आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देते, पहले आप ऐड करोगे, नेक्स्ट ट्रिक क्या है, आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, when you are subtracting what you are getting minus 530x plus 530y is equal to minus 130, ठीक है। तो second equation मेरी क्या बन गई बेटा, x minus y is equal to 1, अब simplified हो गई, अब वो बड़े number सारे हो गए खत्म के नहीं, हो गए ना खत्म,
जो इतने बड़े बड़े आपके आ रहे थे, आपको लग रहा था आप किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो क्या सिंपल इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सिंपली हमने इसको ऐड कर दिया, y तो हमारा वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो आई एम लेफ्ट विद 2x इज इक्वल टू 4, x क्या आ गया 2. ठीक है, इसी तरह से जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो हमें y की वैल्यू जो है वो 1 मिल गई. इजंट इट इजी, इजी था ना ये क्वेश्चन, जबकि देखने में सबसे मुश्किल लग रहा था. तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें क्रिस क्रॉस हो रहा हो A1 B2 का और जो A2 है वो B1 का, तो उस केस में आप पहले क्या करोगे, उनको ऐड कर लोगे, उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर लोगे. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है. ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जो उसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना उनका सम कितना होता है, 180. इसका मतलब सीधी सीधी बात ये बनी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180. ठीक है बेटा जी? ठीक है, एक सेकेंड बेटा जी.